गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है 28 अगस्त संडे और मैं अभी उठा हूँ, जस्ट 11 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर में नहा के निकलेंगे नोएडा के लिए, और उससे पहले लाते हैं अपने खेतों से फ्रेश सब्जियाँ तोड़ के। और भाई ये लगी हुई है भिंडी, साइड में कपास है ये कॉटन, और यहाँ पे ये है घिया, और जस्ट इनके सामने ही उगी हुई है हरी मिर्चें। हमारा भाई हो गया रेडी, अभी निकलेंगे। तो कुछ लेके नहीं आए थे, ये लैपटॉप बैग ही है, ये रख दिया है। और ये हमारे घर के सामने रोड बन रहा है, हमारे जैकू से मिलाता हूँ मैं। जैकू जैकू आ जा, जल्दी आ नीचे, आ जा नोरा में चला, जल्दी। और अभी वो आएगा यहाँ से। और ये इसकी फेवरेट जगह है, एसी के सामने। अब सारा दिन शाम तक यहीं सोएगा। मई गाड़ी और की एकदम गर्म, और अभी इसको करते हैं स्टार्ट। थोड़ी देर ऐसे चलने देते हैं, ठंडी हो जाएगी फिर बैठेंगे। निकल लिए हैं वैसे यार, अभी पहले जाएंगे नारनोल। ये गाड़ी वो मारुति के जो जी है मैं ना नारनोल महेंद्रगढ़ पक्षरोक, तो उनको दिखाएंगे। इसके स्पार्क प्लग में कुछ इशू है, नॉर्मली 40,000 किलोमीटर पर स्पार्क प्लग चेंज होते हैं, बट इसमें मेरे को हर 10,000 किलोमीटर पर स्पार्क प्लग चेंज करवाने पड़ रहे हैं। पहले मैंने 30,000 किलोमीटर पर कराए थे, फिर 40,000 किलोमीटर पर कराए, और अभी 50,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे भी 2 स्पार्क प्लग चेंज हो गए थे इसके, तो कुछ तो इशू है इसमें। अभी एक बार पहुँचता है मारुति के शोरूम, मैंने बात कर ली है, उन्होंने बोला है कि GM सर मिल जाएंगे आपको वहाँ पर, और आप उनसे उनको दिखा लेना एक बार गाड़ी, फिर बताते हैं। अभी अगर ये मैं इनसे सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि मतलब क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये बार बार हो रहा है, मतलब मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या रीज़न है कि हर 10,000 किलोमीटर में स्पार्क प्लग्स शॉर्ट हो जाते हैं, और जबकि होने चलने चाहिए 40,000 किलोमीटर, स्पार्क प्लग्स की लाइफ इतनी है। अभी पूछते हैं उनसे कि क्या कारण है इनका। स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ था जब 30,000 किलोमीटर से पहले था ना, तो मैंने इंजन बे में पानी मरवा दिया था प्रेशर से, वॉशिंग के टाइम पे उसने मार दिया था, तो उसकी वजह से उन्होंने बोला कि स्पार्क प्लग्स में पानी चला गया है जिसकी वजह से शॉर्ट हो गया। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, वो मेरी गलती हो सकती है कि मतलब पानी चला गया हो तो उसकी वजह से शॉर्ट हो गया। बट उसके बाद तो मैंने इंजन बे में पानी भी नहीं लगवाया कभी वॉशिंग के टाइम, बट फिर भी ये हर 10,000 किलोमीटर्स पर शॉर्ट हो जाते हैं। अभी देखते हैं कि क्या रीज़न है, एक बार पहुँचते हैं उनसे बात करते हैं, वरना फिर आगे कंप्लेंट करेंगे कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है यार, नई गाड़ी ली अभी 1 साल हुआ है और ऐसा हो रहा है। हमने कर लिया है नारनोल एंटर, और अभी यहाँ से भावेश को लेंगे और फिर चलेंगे मारुति के शोरूम और दिखाते हैं गाड़ी क्या दिक्कत है। भावेश को मैंने कॉल कर दिया है, वो यही मिल जाएगा आगे। चलो हम पहुँच गए हैं बस स्टैंड के पास नारनोल, भावेश को यही आना था, दिख तो रहा नहीं है, और थोड़ा आगे देख लेते हैं कि पहुंचा है वो या नहीं पहुंचा है, वरना फिर कॉल करेंगे कि कहाँ पे है, दिख तो नहीं रहा है हमें, कॉल ही करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। चलो कॉल ही करते हैं। आ गया हमारा लौंडा, अभी हम जा रहे हैं और फिर देखते हैं, आपको बताते हैं क्या। और ये सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है, बोल रहा है तो जाना है 1 किलोमीटर पे जाना है। जल्दी ही जाना वरना GM सर मिलेंगे नहीं, लाइन लगी हुई है गेट पे। ये MRT की वर्कशॉप नारनोल की। GM से बात हुई है, उन्होंने बोला है मैं गाड़ी चेक करवाता हूँ, बट बोल रहे हैं 1-1.5 घंटा लगेगा। अभी देखते हैं, चेक करवाते हैं फिर बताते हैं आपको कि क्या है। यहाँ पे ये पहले स्पार्क प्लग्स की कंडीशन चेक कर रहे हैं, अब ये इंजन बे में नॉर्मल प्रेशर से पानी मार के देखेंगे कि स्पार्क प्लग्स में पानी जाता है या नहीं,
मैकेनिक ने चेक किया जब स्पार्क प्लग्स की कंडीशन तो ठीक थी, मतलब शॉर्ट नहीं था कोई भी, एक थोड़ा सा वो था तो उन्होंने वहाँ वो साफ़ करके डाल दिया था। प्लग 1 और 2 में तो पानी नहीं था, बट जो स्पार्क प्लग नंबर 3 और 4 है ना, उसमें उनके अंदर पानी चला गया था। अभी देखते हैं कि ये लोग क्या बताते हैं, इसमें क्या है पूछते हैं। यार मारुति के शोरूम से आ गए हैं, कुछ सॉलिड जवाब तो मिला नहीं उनकी तरफ से, उन्होंने यही बोला है कि पानी जाता है। हाँ बट जीएम बहुत ही कोऑपरेटिव था यहाँ का, मतलब एकदम अच्छे से बात बात की। अब उन्होंने बोला है कि आप एक बार और 10,000 किलोमीटर चला के देखो, उसके बाद भी कुछ दिक्कत आती है तो हम देखेंगे। तो अभी तो निकल लिए हैं वहाँ से और रेवाड़ी की तरफ जा रहे हैं। और मैंने एक पेटीज भी खा ली है, बहुत तेज़ भूख लगी थी। ये बंदा फुल डाइटिंग पे, मैं भी शुरू करूँगा अभी। ये इसकी डाइटिंग है, अभी तो बोतल बच रही है पूरी, अभी ये शुरू करेंगे। और यार अभी टोल टैक्स आने वाला है, इस नारनौल से रेवाड़ी जो रोड है इस पर एक टोल टैक्स है, और हमारे फास्टैग में पैसे नहीं है। अभी रिचार्ज करेंगे पहले, वरना डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। चलो मैं रिचार्ज कर लेता हूँ। और ये भाई काठुआ टोल आ गया है। रोड तो ठीक है, मतलब टोल देने में ऐसे दिक्कत नहीं होती, वरना कहीं कहीं पर रोड भी ऐसे होते हैं और फिर टोल भी होते हैं तो थोड़ा दुख होता है। यहाँ पे रोड तो अच्छा है कम से कम। भाई कॉल दे। सो गया था वो शायद बीच में। पहुंच गए पित्तल नगरी रेवाड़ी में, और अभी यहां से लेंगे हिमांशु को और फिर निकलते हैं। आज हम एकदम धीरे धीरे चला रहे हैं गाड़ी, 80 की स्पीड से ऊपर नहीं, देखते हैं कितनी एवरेज देती है ये। एकदम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ड्राइविंग। और भाई दाढ़ी भी एकदम बड़ी बड़ी और अजीब सी हो गई है, पहुंच के इसको भी ट्रिम करेंगे, और ये होंगे जो हमारी गाड़ी ट्रिम करेंगे। बार बार इन हाउस इन हाउस बार बार। चलो हिमांशु का ही फोन आ रहा है, मैं बात करता हूँ उससे। और भाई वो पीछे उतर चुका है, अब लेना पड़ेगा हमें यहाँ से यू टर्न। वो भी बोला था उसको आगे उतरने के लिए। काफ़ी भीड़ भाड़ का माहौल। रुक जा भाई, और अब यू टर्न लेके जाना पड़ेगा उसको, लेके आने समझाया था आगे उतरना है, फिर भी पीछे उतर। कैसे बच्चे हैं आजकल के, थोड़ी प्रोसेसिंग स्लो है मतलब भाई की। चलो देखते हैं कहाँ पे है वो। हमारे ड्राइवर ठोकेंगे ट्रैक्टर में। ये भाई काफी एश ड्राइविंग करते हुए। भाई को देखो आप कैसे मुंडी घुमा रखी है, एक साइड इंतजार कर रही है किसी का। मनीष आएगा यहाँ से, उसको चलो आप पहुंच गए रावतल राम चौक, उसने बोला है यहाँ पे ही हूँ। और वो रेड शर्ट में आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखाते हैं जूम करके। ये रेड शर्ट में अच्छा उसका भाई भी साथ है। ऐसे अभी हम खरीदेंगे अमरूद, और जब तक अमरूद खरीदे जाएं तब तक थोड़े गुलाब जामुन खाए जाएंगे और फिर चलेंगे। थोड़ी उतर कर भाई, यार लोग हमें खिला ही नहीं रहे, अन्याय है। ऐसे टक्का मत दी भाई, क्या अभी घर बना रहा है ये, मन नहीं मत। हाँ और ये घर बनाए हुए गुलाब जामुन है, काफी डिसेंट है, बस दो ही खाएंगे, डाइटिंग पे है ना। यार अभी पहुंच गए गुड़गांव, वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके हैं, और टाइम हो गया है 6:20। हम सोच रहे हैं 7:30 बजे तक पहुंच जाएं। इंडिया पाकिस्तान का मैच है भाई, वो कैसे मिस कर सकते हैं। सो गूगल मैप्स दिखा रहा है 7:40, बट ट्राई करेंगे 7:30 तक पहुंच जाएं। लेट्स सी, चल के मैच देखेंगे आज तो। और भाई हमें ये एग्ज़िट लेना था, बट गलती से
अब मेन हाईवे पे ही रह गए हैं, तो अभी 5 किलोमीटर आगे से यू टर्न लेंगे और फिर वापस जाएंगे। मैच तो स्टार्ट हो ही जाएगा, 7:27 हो गए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा और उससे पहले डिनर भी करना है क्योंकि हम हो गए हैं लेट, तो खाना बनाने वाली दीदी आएंगी नहीं आज। और हम पहुंच गए हैं सोसाइटी और भूख की एक्साइटमेंट में आपको डिनर तो दिखाना भूल ही गए वो हमने खा लिया है। अभी करते हैं गाड़ी पार्क, टाइम हो गया है 8:55 और अभी ऊपर चल के मैच देखेंगे। थोड़ा सा वहाँ पे देखा था जहाँ पे डिनर कर रहे थे, वाली गेंद पे छक्के मारेगा हार्दिक पांड्या और इसी के साथ इंडिया जीत जाएगी। जीत गई इंडिया इसी के साथ, देख रहे हो हमारा प्रिडिक्शन यार काफी अच्छा प्रिडिक्शन था भाई। इंडिया के जीतते ही पूरी सोसाइटी में माहौल देख सकते हैं आप। आप लोगों से मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।